शहजादी की मुलाकात जैसे बीबी मुलबनीन से होती है, तो जनाब ज़ैनब के कुछ सवाल हैं बीबी मुलबनीन के कि मेरा बेटा बहुत शुजा था, कद व कामत में तवील था, किस तरह शहीद हुआ? शहजादी ये बताइए, जब उसके दोनों बाजू कलम हो गए तो किस हालत में मोजीन से ज़मीन की तरफ आया मेरा बेटा? समाज फरमाए, इंशाल्लाह मसाब होंगे। नौहे के शुरुआत में कुछ सवाल है जनाब ज़ैनब से उम्मुल बनीन की, उसके बाद जनाब ज़ैनब जवाब दे रही हैं किस तरह शहीद हुआ आपका बेटा। इंशाअल्लाह मसाब होंगे, समाप्त फरमाएंगे कि आखिरी दिन है, मोमिनों आंसू बहालो, समाप्त फरमाएं, इंशाअल्लाह मसाब होंगे कि एक बंद पे तवज्जो चाहता हूं।
खास समाज फरमाएंगे। मौल अब्बास के हाथ में अलम एक हाथ में लजाम समाज फरमा बचाने के लिए अपने आप को रूबरू रखा हुआ था तीरों के साथ। कितने जख्म उसके तने
दूसरा मिसरा अब्बास मेरा जीन से जब आया खाक पे अब्बास मेरा जीन से मसाइब का तीसरा मिसरा समाप्त फरमाए जैनब जवाब दे रही है ना समाप्त फरमाए इंशाल्लाह यहां से जवाब सुनिए शहजादी ने जो कुछ देखा है करबला में बयान कर रहे हैं से इंशाल्लाह मसाब होंगे यहां से जवाबी बंद समाप्त फरमाए इंशाअल्लाह मसाब होंगे एक एक बंद पे तवज्जो चाहता हूं
ये भी बन समात फरमाए इंशाल्लाह मुसाब होंगे। मौला अब्बास ने फरस को दरिया की तरफ मोड़ दिया, फिर क्या होता है समात फरमाए इंशाल्लाह मुसाब होंगे। समात फरमाए जब मौला अब्बास मुंह के बल जमीन पे आए तो फौजी अश्किया ने क्या किया, समात फरमाए इंशाल्लाह मसाब होंगे। समात फरमाए मामूल बहन से कह रही है जनाब बहन दुआओं के साथ मखता समाप्त फरमाए मखते का बन समाप्त फरमाए।